नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में किए जाने वाले योगाभ्यासों की सीरीज में आज हम आपको एडवांस अभ्यास हनुमान आसना, जिसे मंकी पोज भी कहा जाता है, को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। हनुमान आसना एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। यह अभ्यास को करने से हमारे पीठ, हमारी कमर, हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को सर्दियों का मौसम स्टार्ट होते ही कुल्हों में दर्द, हिप्स पेन की शिकायत है, साइटिका की समस्या से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उन लोगों ने इस अभ्यास को कम से कम 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं कि हनुमान आसना को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इस अभ्यास को हम बहुत ही आसान तरीके से और वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं। सांस छोड़ते हुए ऐसे ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आपने आना है और फिर सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाएं। आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपनी हथेली के पास रखें। सांस अंदर भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। और फिर इसके बाद आपने ऐसे ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर ऐसे ही रुकते हैं, फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे बिल्कुल ऊपर ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को जमीन पर ऐसे रखते हैं। और सबसे पहले आप ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ लें, ऐसे एक पाद राज कपोतासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के पास रखें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को जमीन पर स्पर्श कराइए। सांस अंदर भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। जब आप ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे तो आप हनुमान आसना को एक आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। सांस अंदर भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। जब आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बाद आपको हनुमान आसना यानी मंकी पोज को करने में आसानी रहेगी। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने पैर को घुटने से ऐसे मोड़ लें। सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए आगे। सांस अंदर भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। लंबे गहरे सांस प्रश्वास के साथ आपने इस अभ्यास को करना है। ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आइए और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, अब हम करेंगे हनुमान आसना। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखें, सांस छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे आगे को लाते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा करने की कोशिश करें। दोनों पैरों को एक सीध में लाते हुए एक सीधी रेखा की तरह रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप बिगनर से हैं तो अपने स्टार्टिंग में अपने नीचे से एक तकिया रखकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें और फिर ऐसे
अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हैं, अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को कीजिए। अगर इस अभ्यास को स्टार्टिंग में ऐसे करने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए, कुछ देर रुकें, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, ऐसे ही 8 से 10 बार अप डाउन करें। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। या फिर अपने प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने छाती के मध्य में रखकर अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आइए। फिर इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऊपर ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे अपने राइट पैर लेफ्ट पैर को भी ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, ऐसे ही 5 से 6 बार अप डाउन कीजिए। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लें, ऐसे अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आइए, चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हुए।